नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका यश कुमार। दोस्तों, लिखने के शौक ने कभी कभी बहुत कुछ लिखवा दिया। बहुत सारी शायरियां लिखी जिसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, अपना प्यार भी दिया। पर आज मातृ दिवस के अवसर पर, मदर्स डे के अवसर पर, मैंने कुछ लाइनें एक कविता के रूप में मां के ऊपर लिखी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये लाइनें आप सबको पसंद आएंगी। अगर ये लाइनें आपके दिल को छूती हैं तो कृपया इस शायरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यश कुमार के लिए नहीं, उस मां के लिए जिस मां ने आपको, हमको और इस सृष्टि को जन्म दिया है। तो यह कविता यश कुमार की तरफ से सभी भारतवर्ष की माओं को समर्पित है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। तेरी यादें मेरी आंखों को आज फिर से रुला रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। वो तेरी छोटी सी डांट पर मेरा रूठ जाना, वो मेरे आंखों में आंसुओं को देखकर तेरा टूट जाना, वो तेरी छोटी सी डांट पर मेरा रूठ जाना, वो मेरी आंखों में आंसुओं को देखकर तेरा टूट जाना, वो बचपन की यादें आज बहुत सता रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। अब किसी को मेरे आंखों के आंसुओं की परवाह नहीं, अब किसी को सुनाई देती मेरी आह नहीं, अब किसी को मेरे आंखों के आंसुओं की परवाह नहीं, अब किसी को सुनाई देती मेरी आह नहीं, दिन पे दिन टूटती मेरी सांस जा रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। वो मेरा खाना ना खाने से तू भी भूखे पेट सो जाती थी, अगले दिन प्यार से खुद अपने हाथों से खिलाती थी। वो मेरा खाना ना खाने से तू भी भूखे पेट सो जाती थी, अगले दिन प्यार से खुद अपने हाथों से खिलाती थी। वो बीते वक्त की यादें मेरी धड़कन बढ़ा रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। मां, अब मैं भूखा रहूं या प्यासा, इसका किसी को एहसास नहीं, शायद किसी के लिए मैं खास नहीं। मां, अब मैं भूखा रहूं या प्यासा, इसका किसी को एहसास नहीं, शायद किसी के लिए मैं खास नहीं। तेरे बेटे की हर दुआएं तुझे पास बुला रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। मां, आज तेरी बहुत याद आ रही है। धन्यवाद।